दोस्तों स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के जबरदस्त एपिसोड में। आज मैं आपको बताऊंगा एक जबरदस्त धमाकेदार सक्सेस स्टोरी जहां पर मैम ने अपना जो ये बिजनेस है सिर्फ 3,000 रुपए की लागत से शुरू किया था और वो आज अच्छी खासी घर से कमाई कर रही है। आज मैम बताएंगे उनकी सक्सेस स्टोरी की, कैसे उन्होंने शुरुआत की थी, कैसे वो अलग अलग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बना के क्रिएटिव बिजनेस अपने घर से कर रही है और आप भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो। पूरा गाइडेंस हमें मैम देने वाली है क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसी तरह से मैं मैम के पीछे बहुत दिनों से पढ़ा था, तो मैम ने अपना जो पूरा बिजनेस मॉडल मैम आज हमें समझाने वाली है और उसके बारे में और डिटेल जानकारी हमें देने वाली है। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे आपको बिजनेस करना है, मार्केटिंग कैसे करनी होती है, मैम ने कैसे बिजनेस शुरू किया था, कैसे प्रोडक्ट्स मैम अलग अलग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, सारी जानकारी मैम आज हमें देने वाली है। तो मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने जो ये इतने कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे शुरू किया और आज आप इतने अच्छे स्केल पर बिजनेस कर रहे हो, उसका क्या है फंडा? हेलो एवरीवन, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे घर के बहुत से काम होते हैं, लेकिन घर के काम सबके लिए खाना बनाना और भी बहुत सारे काम होते हैं सभी जानते हैं, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब अपने लिए थोड़ा टाइम बचता है और वो टाइम हम कैसे पास करें हमें पता नहीं चलता है। अब जब हम फ्री होते हैं तो हम अपना टाइम मोबाइल के थ्रू ही पास करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब, तो उसमें मैंने रेजन आर्ट की रील देखी, वो मुझे अच्छी लगी उनके प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा कि ये काम देखते हैं सीख के और फिर अपने प्रोडक्ट्स बना के आगे काम करते हैं। तो और हमारे नेबर हैं वो ये काम करते थे तो उनको मैंने काम करते हुए देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उनसे एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली पूरी और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। मुझे अलग अलग चीज़ें बनाना, क्रिएटिविटी ये सब बहुत अच्छा लगता था, बट टाइम नहीं होता था इसलिए नहीं कर पाते थे। लेकिन जब टाइम फ्री हुआ फिर मेरे नेबर ये काम कर रहे थे, उनको देख के मुझे इंटरेस्ट आया इसमें, तो फिर उनसे सीख के मैंने स्टार्ट किया। तो मैम अभी आप घर से कौन से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हूं? मैं अभी घर से 8 से 10 तरह के प्रोडक्ट बनाकर बेचती हूं। तो मैम आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताने वाले? मैं आज आपको कुछ सैंपल बना के दिखाऊंगी जो मैं घर से बनाकर बेचती हूँ। ठीक है, तो मैम आगे बताएंगी सब कुछ डेमो, तो आप आखिर तक बने रहिए वीडियो में। अगर आप स्किप करते जाओगे तो भी जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की वो आप मिस कर दोगे, तो चलिए मैम बताइए। आइए देखते हैं हमें किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमें ये मोल्ड चाहिए, ये अलग अलग डिज़ाइन में मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो आप कोई भी जो आपको डिज़ाइन पसंद हो वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें ये केमिकल चाहिए, रेजिन और हार्डनर। हमें डिस्पोजल ग्लास, स्टिक्स, कलर, ये कलर हैं, ये ट्रांसपेरेंट कलर हैं, ये पर्ल कलर हैं, ये गोल्डन, ये सिल्वर फ्लेक हैं, टूथपिक, वेट करने के लिए चाहिए, ग्लव्स चाहिए। सबसे पहले हम केमिकल मिक्स करेंगे, इसका रेशियो 3:1 है, तो अब हम ये मिक्स करते हैं। वेट मशीन में रखेंगे, 100 ग्राम रेजन लेंगे, सॉरी 100 ग्राम हो गया। अब इसमें हम हार्डनर मिक्स करेंगे, 100 ग्राम रेजन है, 30 ग्राम हार्डनर मिक्स करेंगे इसमें। ये मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा इसको। अभी ये देखिए थोड़ा कलर इस ट्रांसपेरेंट नहीं है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक मिक्स करेंगे इसे। आप देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। छोटे छोटे कॉफ़ी कप में हम इन्हें थोड़ा थोड़ा ले लेंगे इस केमिकल को। अब इसमें कलर मिक्स करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट कलर है। एक दो ड्रॉप बस, और ये ग्रीन है। ग्रीन कलर में हम थोड़े सिल्वर फ्लेक्स डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, ये कलर केमिकल है, ये हम अपने मोल्ड में डालेंगे। तो मैम अगर हमारे व्यूअर्स को ये बिजनेस शुरू करना है, इपॉक्सी रेजिन के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचना है, तो क्या वो कर सकते हैं घर से? हाँ कर सकते हैं इजीली, 3,000 से 4,000 रुपए में आराम से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें रेजिन का केमिकल और कलर्स वगैरह सब मोल्ड इजीली मोल्ड मिल जाते हैं कि जिस डिज़ाइन के भी चाहिए आपको। ओके। आराम से मिल जाते हैं और ये सारा सामान 3,000 से 4,000 के अराउंड आ जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आपको डिफरेंट मोल्ड मिलेंगे, उनमें आप कलर टेक्सचर जो देना चाहें जैसे भी जैसे बनाना वैसे वैसे आप बना सकते हो।
अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ेंगे, जब तक ये सूखता है तब तक मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। इसमें ये ओपेक कलर जाएंगे, ये ब्लू और वाइट ले रही हूँ। अब ये ब्लू ले रहे हैं, ये गोल्डन फ्लेक्स हैं जो मैं ये ब्लू कलर में मिक्स कर रही हूँ। अब ये केमिकल इसमें डाल रहे हैं। ये रेजिन अब हम अपने जैसा आपको पसंद है उस डिज़ाइन के हिसाब से आप डालिए। ये ब्लू डाला, अब हम वाइट डालेंगे इसमें। जैसा आप जितना भी क्रिएटिविटी आप करेंगे इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइन अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ये अच्छे से एक दूसरे से मिक्स होकर डिफरेंट शेड वगैरह आप कर सकते हैं। अब इसे भी सूखने के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम दूसरा एक और आपको बना के दिखाते हैं। अब हमारे ये रेजिन बच गया है तो अब ये वेस्ट नहीं जाएगा, इससे ही मैं आपको और प्रोडक्ट्स बना के दिखा रही हूँ। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप डिज़ाइन बन जाएंगे। टूथपिक यूज़ करके आप इनको मिक्स करके अच्छे अच्छे शेड दे सकते हैं। ये हमने रेजिन में अलग अलग कलर मिक्स करके अलग अलग मोल्ड में ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब इन्हें हम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन अभी ये इतनी जल्दी तो सूखेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने के बाद हम मोल्ड से ये इजीली निकल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने पहले से बना के रखा था और ये बहुत ईजीली निकल जाता है। ये देखिए, ये आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा टी कोस्टर है, मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। अब जैसे ये सूखेगा तो ये सूखने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बना के और रखे हुए हैं। अब ये टी कोस्टर है हमारा ये वाला, तो ये सूखने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। और ये बुक मार्कर, ये सूखने के बाद आप ऐसे इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करके जैसा भी आपको पसंद हो कर सकते हो। और इसमें ये डोर ये लगा देते हैं तो ये और भी अच्छा लगने लगता है। जैसे ये कीचेन बनाया है ऐसी मैंने पहले से इसमें डाला हुआ था, इसमें मैंने एक अल्फाबेट लगाया है अंदर, तो ये अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको। और अब इसमें मैं एक कीचेन होल्ड डाल दूँगी तो ये मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। इसमें आप अलग अलग टाइप के लेटर्स, कोई फ़ोटो और कुछ स्टोन्स वगैरह डाल के डिफरेंट डिज़ाइन आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए। ये सर्विंग ट्रे है, ये वुड का आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और इसके अंदर मैंने रेजिन यूज़ करके और ये जो हमने अभी जो लिक्विड हमने यूज़ किया था कलर का, हाँ। वही रेजिन हमने इसमें यूज़ किया है और इससे ये मैंने बनाया है। अच्छा, सिर्फ मिक्स करना है अपने आप? हाँ, बस इसमें डिफरेंट कलर शेड जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप मिक्स करके बना सकते हैं। बट मेन बात आती है सेलिंग की, आपने सेलिंग कैसे की, अपनी मार्केटिंग कैसे की, वो ज़रा समझाइए और कैसे हमारे व्यूवर्स बढ़ा सकते हैं अपना सेल। ओके, मैं तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना ये डाला है स्टेटस वगैरह पे और एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ तो उसी से ही मेरे सेल हो जाते हैं। बट आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रील बना के डालते हैं, फेसबुक पे पेजेस बना देते हैं, तो उसके थ्रू आराम से आप इजीली बेच सकते हो क्योंकि बहुत डिमांड में है ये सब। और इसमें इतनी अच्छी और सुंदर डिज़ाइन बनती है कि लोग अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैम, हमारे व्यूवर्स के दिमाग में तो एक सवाल आता ही होगा कि कमाई कितनी हो जाती है अगर ये बिजनेस घर से शुरू कर ले, तो कमाई कितनी हो सकती है इसमें? ऐसे अपनी इनकम तो ओपनली कोई बताता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम अपने रेजिन आर्ट के फील्ड की बात करें तो इसमें लोग अगर अपना टाइम अच्छे से देते हैं तो 50,000 to 1,00,000 के अराउंड, 50 to 1,00,000 आराम से कमा ले। वाह। और मैम, मेन चीज़ आती है इसकी ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली थी? मतलब क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में लगानी पड़ती है, फिर ये मोल्ड्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, वो सब कहाँ से मिला आपको? वो मैंने रेजिन आर्ट्स इंडिया से ली थी और उन्होंने ही मुझे जो रेजिन इसमें यूज़ होता है और जो भी मटेरियल है जैसे मोल्ड्स
कलर जो भी कुछ है वो सब उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड करा है। अच्छा, आराम से सीख सकते हैं कोई भी इंसान? आराम से, इजीली। अच्छा, तो अगर आपको मैम की तरह भी ये बिजनेस शुरू करना है तो मैम को जिन्होंने ये बिजनेस शुरू करवाने में मदद की थी, रेजिन आर्ट इंडिया, उनका नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके ये बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। अगर आपको केमिकल्स चाहिए, इपॉक्सी रेजिन वगैरह या फिर जो भी मोल्ड्स वगैरह लग रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ये ले सकते हो।